हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग का दिन अच्छा जा रहा होगा। और आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज एक शख्स का बर्थडे है और वो मेरा दोस्त है। दोस्त क्या बोलो, वो मेरा दोस्त से बढ़कर भी है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे अटेंड करने जा रहा हूँ। और वैसे तो मैं मतलब कोई खुशी का मौका रहता है, दिन रहता है, सेलिब्रेशन रहता है, वहाँ पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा ये कोई गारंटी नहीं होता है। बट अगर किसी का प्रॉब्लम हो, किसी को मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं अपना काम छोड़ के भी पहुँच जाता हूँ। बट आज मैं इस खुशी के मौके पे इसलिए जा रहा हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक ही बार मैं दोस्त के वहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद में ही आप लोगों से बातचीत होगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम लोग ऑटो में आए, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है ये, दार्जिलिंग मोड़ से थोड़ा अंदर आना पड़ता है। तो अभी वहाँ से ऑटो से उतर के मैं पैदल आ रहा हूँ। और ये आप ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में दोस्त रहता है। तो अंदर जाके एक ही बार मुलाकात करते हैं, दोस्त को सरप्राइज़ देते हैं। तो चलिए, मेरा दोस्त आज इसका बर्थडे है, तो बहुत ही खुशी का दिन है आज। और ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भैया भी है खास करके, क्योंकि इसका नाम है परवीन बेग और मेरा नाम भी आर्या बेग है, और हम लोग का ब्लड ग्रुप भी दोनों का सेम है। तो मेरा दोस्त भी है, भैया भी है, सब चीज़ है, एवरीथिंग। और खास करके एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी खुशी के मौके पर नहीं जाता हूँ, ये इससे ही सीखा, क्योंकि ये अपना सारा दुख प्रॉब्लम ये खुद अकेले सॉल्व करता है। तो ये भी मेरा बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है, इसीलिए आज मैं इसके पास आया हूँ, क्योंकि और ये सामने भी है। और खास करके मैं बोलना चाहूँगा, ये कुछ दिन पहले एक दोस्त का शादी था, तो वहाँ तो जा नहीं पाया क्योंकि दूर में था। तो उन लोग को मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। और खास करके आज के दिन में मैं बोलना चाहूँगा कि आज मेरे बहुत ही फ्रेंड सबके बर्थडे है, वहाँ मैं नहीं जा पाया, इसलिए वो दोस्त सबको भी बोलना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस यू। तो अभी हम लोग स्पॉट में जाएंगे, तो दोस्त सब तो वहाँ पे चले गए, तो अभी हम लोग भी निकलेंगे। तो एक ही बार बर्थडे का जो स्पॉट है वहाँ पे मिलते हैं। हम लोग स्पॉट में, ये देख सकते हैं, ये है स्पॉट, और इसे बोला जाता है दगापुर। छोटा सा नदी है, वो सामने दिखाई दे रहा है, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा, अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है आज में। और ये इधर पे सामने दगापुर का फैक्ट्री है, और ये देख सकते हैं हम लोग का स्पॉट, यहाँ पे पिकनिक भी करते हैं। बट आज हम लोग आए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ हम लोग का सेटअप वगैरह स्टार्ट कर दिया हम लोग लगाने, तो अभी हम लोग का दोस्त सब आएंगे और सभी कोई आएंगे, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पकाने वकाने। तो अभी उन लोग का वेट करते हैं। जितना भी मसाला वगैरह है, और हम लोग का यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आप देख सकते हैं, लेस स्टिंग, और हम लोग का यहाँ पे ये चूल्हा बन गया है, यहाँ पे हम लोग का चिकन वगैरह सारा आइटम यहाँ पे डिश तैयार होगा। तो देखते हैं एक ही बार तैयार होने के बाद में। हम लोग का बर्थडे बॉय केक काटेगा, आप ये देख सकते हैं, ये रहा केक। तो अभी हम लोग का बर्थडे बॉय केक काटेंगे, तो अभी हम लोग विश करेंगे। रेडी, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parveen, happy birthday to you. अरे ना कर दो, करना नहीं, कितने दिन बाद तुम भाई रुक रुक रहे हैं, चेहरा में लगा 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 ए ज्यादा ना लगा ज्यादा ना। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells. ये रहा फ्राइड राइस, और ये हम लोग का साथ में है देसी चिकन। खाने के लिए हम लोग सब बैठ गए हैं, खाने के बाद सब अपने अपने घर को निकलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।